मैं खुशी रहूं, आपका स्वागत करती हूं द न्यूज़ टॉक चैनल में। आज हम लोग आपको एक ऐसे ऑफिसर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आप काफी ज्यादा भावुक हो जाएंगे, क्योंकि हर दिन उनकी आंखों से भी आंसू बहते हैं, क्योंकि उनका बच्चा जो है वो मासूम निगाहों से खिड़की से देखता है और उनसे कुछ सवाल पूछता है। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, कहाँ से आ रहा है, उस ऑफिसर का नाम क्या है, हम उसके बारे में हम आज की न्यूज में आपको बताएंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये पूरा मामला हमारे सामने महाराष्ट्र के बीड जिले से आ रहा है, जहां पर सुजीत नाम के एक पुलिस का कर्मचारी लगातार कोरोना वायरस के चलते हुए वो ड्यूटी पे हैं और उस दौरान वो घर पे वापस तक नहीं आ रहे हैं, और उस दौरान ही जब वो अपनी बीवी से फोन पे बात करते हैं तब बेटा मासूम सी आवाज से ये चीज बोलता है कि पापा आप घर पे क्यों नहीं आते हो, पापा आप कहाँ पर रह रहे हो, पापा आप कब आओगे। और जब फिर भी वो कभी ना कभी अपने बेटे को और अपनी बीवी को देखने के लिए जाते हैं तब वो घर के अंदर नहीं जाते, खिड़की से ही 10 फीट दूर, जैसे कि आप फोटोज देख पा रहे हैं, वो दूर रहते हैं। और उस दौरान ही बेटा काफी ज्यादा रोता है, चाह के भी अपने बेटे को सीने से नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीज बताया कि हम दिन भर कोरोना वायरस के ऐसे ऐसे एरिए से हम लोग गुजरते हैं जहां पर कोरोना संक्रमित तो लोग पाए गए हैं, उनका इलाज हो रहा है, हम ना चाहते हुए भी अपने बच्चों को गले से नहीं लगा सकते, क्योंकि डर लगता है कि हम लोग अपने साथ वायरस को अपने घर ना लेके चले जाए, इससे हमें काफी ज्यादा डर लगता है। हम आशा करेंगे कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा हम लोग जिम्मेदारी अभी निभा रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी हमारे परिवार के लिए भी है, जो हम लोग उनसे दूर रह के अभी ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और उन तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्यार ही पहुंचा सकते हैं, जो कि दूर खड़े हम लोग कर रहे हैं। आई होप गाइस आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आप लोगों को ये भी जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, जो कि नर्स है, जो कि सफाई कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, वो लगातार हमारे लिए कोरोना योद्धा बन के बाहर खड़े हैं। अगर वो नहीं होते तो हम लोग भी शायद अभी तक नहीं होते। और लगातार जो खबरें बाहर आती हैं कि उनके ऊपर जो हमले हुए हैं वो सुन के काफी ज्यादा दिल दहल जाता है। अगर कोई ऐसे सोच वाला इंसान अगर आपके आजू बाजू में है तो प्लीज उसको समझाइए, और ये सब चीजें अगर आपके हक आपके हाथ में है तो इन सब चीजों को रोकने की कोशिश कीजिए। आई होप गाइस आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे की और भी अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।